संगीत, साहित्य, संस्कृति और भक्ति से जुड़ा हुआ चैनल अपना चैनल। दोस्तों नमस्कार, अपना चैनल में स्वागत है। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, ये निवेदन है मेरा। इससे फायदा ये होगा कि इस पर अपलोड होने वाली सारी चीजों की जानकारी आप तक सीधी पहुंचेगी। आइए जानते हैं आज लहसुन के बारे में। गार्लिक, लहसुन, हमारे सबके घरों में लहसुन पाया जाता है। लहसुन खाने से भूख अच्छी लगती है, शरीर में गर्मी, चेहरे पे चमक रहती है, कृमि नष्ट होते हैं। लहसुन उत्तेजक और चर्म दाहक होता है। लहसुन का प्रभाव सारे शरीर पर होता है, यह रक्त, ताकत और वीर्य बढ़ाने वाला है। बाल उड़े हुए स्थान पर लहसुन का रस लगाएं और सूखने दें। इस तरह 3 बार नित्य लहसुन का रस कुछ सप्ताह लगाते रहने से गंजे के सिर पर बाल आ जाएंगे। जी हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहते हैं। लहसुन को पीसकर नींबू के रस में मिलाएं, रात को सोते समय इसे सिर पर मलें, सुबह साबुन से सिर धो लें। इस तरह 5 दिन लगातार नित्य करने से जुए नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रहे कि आंखों में न जाए। 4 कली लहसुन को 1 चम्मच सरसों के तेल में उबालकर कान में टपकाने से कान का दर्द, जख्म, पीप बहना ठीक हो जाते हैं। 1 कली लहसुन के साथ मूंग के बराबर अफीम खाने से आँव बंद हो जाती है। लहसुन के सेवन से पेट का कैंसर नहीं होता। कैंसर होने पर लहसुन को पीसकर पानी में घोलकर कुछ सप्ताह पीने से पेट का कैंसर तक ठीक हो जाता है। लहसुन खाने के बाद सूखा धनिया चबाने से इसकी गंध बिल्कुल नहीं आती। तो ये रहा लहसुन के गुणों के बारे में जानकारी। और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।